पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर और राजधानी भी है। वैसे तो यह शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई दर्शनीय और पर्यटक स्थल भी हैं, जहाँ पटना को 3000 वर्ष से लेकर अब तक भारत का गौरवशाली शहर होने का दर्जा प्राप्त है। यह शहर कई प्रबुद्ध यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग के आगमन का भी साक्षी है। तीसरी सदी ईसा पूर्व में पटना शक्तिशाली मगध राज्य की राजधानी बना, जहां अजात शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त यहां के महान शासक हुए। जिस शहर का इतिहास इतना गौरवशाली हो, ऐसे में लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि उस शहर में जाकर उन्हें वो सभी ऐतिहासिक पहलुओं को जानने और समझने का मौका मिले। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो स्थल पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी विकसित हो। आज बिहारी विहार के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पटना के गांधी घाट में चल रहे क्रूज के बारे में। पटना शहर की खूबसूरती गंगा नदी से भी है। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। यहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा घाटें हैं, जहाँ से गंगा नदी का नज़ारा देखते ही बनता है। सभी बैंकों में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के पीछे स्थित गांधी घाट सबसे प्रमुख और पर्यटकों के अनुकूल है। हालांकि युवाओं की अक्सर शिकायत रही है कि पटना में टूरिज्म को लेकर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आउटिंग के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। युवाओं के इसी डिमांड को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन किया गया है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। भारत में गोवा एक ऐसी जगह है जहां भव्य समुद्र तट, सबसे उत्तम सूर्यास्त और पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का समामेलन इस हिस्से में बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। गोवा में सबसे रोमांचक क्रूज की यात्रा मानी जाती है, जहाँ भारत के कई राज्यों सहित बिहार से भी लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको बिहार में ही गोवा जैसी क्रूज का मजा लेने को मिल जाए, वो भी सिर्फ दिन में ही नहीं, रात के अंधेरों में रंगीन लाइट के बीच, नदी की लहरों के साथ, किसी खास इंसान के साथ डिनर पर जाना हो या कुछ खास पल बिताना हो, और इसके लिए आप बिहार में ही गोवा या बड़े शहरों जैसे कोई ऑप्शंस चाहते हैं, तो ऐसे में आप बिहार की राजधानी पटना आ सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, जो कि सबसे शांत पृष्ठभूमि के साथ मनोरंजक गतिविधियों में भी शामिल है। अब हम आपको इस क्रूज से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहेंगे, जो कि यहां पहुंचने से पहले आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्रूज सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको गंगा नदी की सैर कराएगा। यह पटना के महेंद्रू घाट से खुलेगी और गंगा नदी में कुल 4 किलोमीटर तक की सैर कराएगी। महेंद्रू घाट से खुलने के बाद क्रूज पटना के गांधी घाट, कृष्णा घाट, काली घाट, बड़हड़वा घाट, लॉ कॉलेज घाट, रानी घाट और गुलाबी घाट होते हुए पत्थरी घाट तक जाएगा, जिसके बाद वहां से वापस महेंद्रू घाट पर आकर रुकेगा। टिकट बुकिंग के लिए भी इस बार आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एसोसिएशन के द्वारा टिकटों के बुकिंग के लिए एक ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि आप क्रूज की वेबसाइट floatafe.in पर विजिट कर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यहां प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत महज ₹50 रखा गया है। यहां क्रूज पर 20 लोग पूरे होने पर ही क्रूज को सैर के लिए खोला जाएगा। खास बात तो यह है कि अगर आप जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि के लिए पूरा का पूरा क्रूज बुक करना चाहते हैं, तो वो भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह क्रूज आप महज ₹12,500 में 3 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं, जहाँ इसके लिए किसी बैंक्वेट हॉल के लिए आपको लाखों रुपया खर्च करना होता है। अगर आप कम लोगों के बीच और कुछ रोमांचक अंदाज में अपने खास दिन को और भी खास बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह ऑप्शन बुरा नहीं होगा। यही नहीं, क्रूज का परिचालन शुरू होने के बाद पर्यटक गंगा नदी के किनारे बसे पटना की खूबसूरती नज़दीक से देख सकेंगे। गंगा नदी के किनारे बने दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज समेत कई ऐतिहासिक इमारतों को नज़दीक से देखा जा सकेगा। अगर आप कभी पटना आएँ तो क्रूज़ का मज़ा ज़रूर लें। धन्यवाद।